रोमी 8:35 से लेकर पढ़िएगा, यही पौलुस बताता है। रोमी 8:35 से लेकर पढ़िएगा। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह का प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। बात होने वाला भेड़, देखिए बाजार में जाकर भेड़ को खरीदते, बकरी को खरीदते हैं, पालने के लिए खरीदा हुआ बकरी है तो वो रास्ते में खींच के ले जाते, अगर रोएगा तो थोड़ा सा पानी उनी देगा, पत्ते वगैरह देगा। जिसको शाम को काटना है, बेचना है, उनका मांस बेचना, उनका चमड़ा उतार का मांस बेचना, तो उसको पानी भी नहीं देगा, नहीं खींचेगा, दो किक भी लगाएगा, कसरीट कर लेगा। हमको उसी मुताबिक गिना जाता है। हाँ, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर है। हालेलुया, जिसने हमसे प्रेम किया हम जैवन से भी बढ़कर है। हाँ, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ ना ऊंचाई ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हाँ, कोई हमको मसीह प्रेम से अलग नहीं कर सकता। इसके साथ इब्रानी 11:33-40 तक पढ़िएगा। इन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंगों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, आग के जिल को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवते पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए। हाँ, और छुटकारा ना चाहा। हाँ, देखिए इधर देखिए एक बात, जब प्रभु का प्रेम आपके अंदर आ जाते फिर आप छुटकारा नहीं चाहेगा। प्रभु का प्रेम जब आपके अंदर भर जाता है फिर आप क्या नहीं चाहेगा, छुटकारा नहीं चाहेगा। चाहे कितना भी तकलीफ हो जाए, प्रभु मेरे बेटे को चंगा करो, मेरे बेटी को चंगा करो, ये सब किसके लिए बोलता है, छुटकारा चाहने के कारण। जब आपके अंदर प्रेम भर जाता है आप छुटकारा नहीं चाहेगा। मैंने आपको बोला ना पिछले दिनों में, मेरा बेटी का पति रेजी मरेंगे करके 45 दिन के पहले प्रभु ने मुझे बोला था। उस वक्त थोड़ा अच्छा प्रचार कर रहा था, तर्जमा करता था, अच्छा सेवक था, बाइबल क्लास में भी अच्छा सिखाता था, मेरा दाहिने हाथ की तरह सेवा करता था, दिल्ली में सेटल करके कर रहा था। जब वो मरेंगे करके प्रभु ने बोला, एक बार भी प्रभु इनको बचाओ, इनको चंगा करो करके नहीं बोला, एक बार भी। जब आपके अंदर प्रेम भर जाता है फिर छुटकारा नहीं चाहेगा। मेरा प्रेमी जितना मेहनत किया मैं भी उसके साथ कष्ट उठाने का मन ना आएगा। मेरे प्यारों, कैमे के बाहर जाना तो प्रेम से भरना है, थक्का से नहीं होता, थक्का देकर नहीं होता भाई। प्रेम से भर जाते तो हालेलुया हर कष्ट को सहने के लिए आप तैयार हो जाते। छुटकारा नहीं चाहा, चाहे पैसा का तंगी हो धन्यवाद हो, मारपीट हो रहा तो धन्यवाद हो,
निंदा है तो धन्यवाद हो, छुटकारा नहीं चाहेगा। हालेलुया। क्यों छुटकारा नहीं चाहेगा? परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कीमत, कुछ हिस्सा डालने के लिए हमको मौका मिलता है। परमेश्वर के राज्य के लिए, मैं इसको समझाने के लिए मैं इसके पहले भी आपको बता दिया, एक बार कई बार बताया। अभी मान लो मैं अभी एमी इधर बैठी, एमी को लेकर बोलता हूं, गुस्सा नहीं करेगी। एमी का पति फिनी गल्फ में या अमेरिका में काम कर रहा है, गल्फ में काम कर रहा है, कुवैत में काम कर रहा है, समझ लो। उन्होंने एक चिट्ठी भेज दिया, 10 लाख रुपया भी भेज दिया उनके साथ में, 20 लाख रुपया भेज दिया। और एमी, मैं इधर में रेतली जगह में मेहनत कर रहा हूं, तो आप क्या करो, ये 20 लाख रुपया से एक मकान बनाओ ताकि हम दोनों मिलकर के आराम से अपने बच्चों के साथ रहें। तो एमी को जब 20 लाख रुपया तो खुशी आ गया, मेरा पति कुवैत में रहता है तो मैं भी क्या कर रहा हूं, उसका स्टैंडर्ड, उसका लेवल में मैं रहना है। तो 20 लाख आ गया तो सोचा ठीक है, मेरा पति किधर रह रहा है, कुवैत में पैसा, तो मैं भी बाहर के लोगों को थोड़ा दिखाना मेरा पति किधर रहता है कुवैत में, थोड़ा जाकर 3-4 अच्छा साड़ी सूट वगैरह खरीद लिया। हाँ, ओ बहन किधर से मिला, मेरा पति कुवैत में रह रहा है। एक कार भी ले लिया, ओ आपको मालूम है मेरा पति किधर रहता है, कुवैत में, कार भी लिया बहुत। फिर जाकर 1 लाख रुपया से थोड़ा जमीन भी खरीद कर डाल दिया, घर में लोगों को बुला करके देखो मेरा पति कितना, घर भी अच्छी तरह से सजाया, बहुत अपना किराए मकान में जो रहता सजाया सब कुछ बहुत। तो बाद में 6 महीने के बाद पति आ रहा है भोपाल में, आ रहा है तो भोपाल एयरपोर्ट में यमी जा रहा है, तो नया कार में अच्छी तरह चमकता, अच्छा सुंदर साड़ी वगैरह पहनकर, थोड़ा अच्छा पाउडर शाउडर लगा दिया, थोड़ा कलर भी लगा दिया, साड़ी भी नया लगा दिया, तो और कार के अंदर भी परफ्यूम लगा दिया इधर उधर में। जो फिनी आ गया एयरपोर्ट से, देख रहा तो अपना पत्नी चमक रही है, इतना सुंदर हो गया। तो आकर कार में आ गया, कार में बैठा तो इतना खुशबू, पूरा फ्रैग्रेंस पूरा भरा हुआ है। तो कार में अच्छा वही पुराना किराए मकान में लेकर गया, तो पूछ रहे फिनी पूछे घर किधर है, ओ उधर थोड़ा जमीन खरीद कर डाला है, थोड़ा सा इंड भी बोल कर रखा है, आप और एक बार जाओ हैं? मैं आप थोड़ा पैसा भेज दे तो मैं बना दूंगा, जमीन तो खरीद लिया, तो मैंने भेजा हुआ 20 लाख रुपया के, आपको मालूम है आप तो कुवैत में रहता है, मैं उसके इज्जत के अनुसार रहना चाहिए ना, इसलिए कार भी खरीद लिया, साड़ी भी ले लिया। अच्छा अच्छा एमी बहुत अच्छी है, ठीक है ये भी अच्छा है, लेकिन दूसरा एक है। 20 लाख रुपये आ गया, एमी का मन में आया ये 20 लाख रुपया खून का पैसा है, ये 20 लाख रुपया पसीना का पैसा है, मेरा पति उस जंगल में कितना कष्ट उठा रहा है, मुझे मेरा पति को दोबारा भेजना नहीं। कैसा भी जमीन खरीद लिया, मकान का काम शुरू हो गया, तो मजदूरों का कमी पड़ गया, तो खुद रेत उठाना शुरू कर दिया, खुद ईंट उठाना शुरू कर दिया, और उसके बाद फिर भी पैसा का कमी पड़ गया, कुछ साड़ी लेकर बाजार में बेच दिया, कुछ बर्तन भी बेच दिया। कैसा भी मेरा पति पहुंचने के पहले मकान का काम पूरा करना है, मेहनत करके दिन रात मेहनत करके पतली हो गई, जूता भी चले गए, सब कुछ नहीं टूटा बुटा जूता, साड़ी भी पट्टी हुई साड़ी है, और ऐसा बहुत कमजोर हो गए, काली हो गए। तो चिट्ठी आ गया, खबर आ गया फिनी आ रहा है। फिनी आते समय में कार लेने का कोई पैसा नहीं, कोई बस में बैठकर एयरपोर्ट में पहुंच गया,
पादी आकर इंतजार कर रहा है, फिनी आकर इंतजार करे किधर है यमी किधर है, तो देखा तो बस में से उतर के आ रहे, चप्पल भी है ही नहीं, टूटा बुटा साड़ी पहना, देखने से बिल्कुल काली हो गई, बिल्कुल पतली है। तो आगे तो पदी पहचान लिया, अच्छा अचायन तो आ गया, गला लगाया, तो देखो अभी घर में जाएंगे तो मेरे पास कोई पैसा नहीं, आपके पास पैसा होगा कोई गाड़ी उड़ी लेंगे अब जाएंगे। तो यमी बोलो तुम क्यों इतने कमजोर हो गए, तुम्हारे साड़ी कहाँ गए? अरे चुप रहो थोड़ा जाओ, चलो गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ, कार लेकर देखो इधर से जाओ। जाकर एक सुंदर मकान के सामने खड़ा कर दिया गाड़ी, उतर गया, सामान देखो अंदर रखे, गला लगाकर बोल रहा है ये घर हमारा है, आपने जब उधर उस रेगिस्तान में मेहनत करते समय मैंने समझा मैं आपको सही पत्नी है, तो मैं भी मेहनत करना, इसलिए मैं मेहनत करना शुरू किया, मजदूर नहीं मिल रहे थे इसलिए मैं खुद काम करना शुरू किया, उसके बाद पैसा का कमी पड़ा मैंने मेरा कुछ कपड़ा भी बेच लिया, देखो मकान पूरा हो गया, आप अभी दोबारा कुवैत नहीं जाना, इधर ही रहना। ऐसा बोलते समय फिनी क्या बोलेगी, गला लगाकर बोलेगी मेरे वफादार पत्नी, मेरे प्यारो, इसी मुताबिक हमारा प्यार है यीशु, सूली पर पूरा जान देते हुए, सिर में खांटे, हाथों में खील, सब सहते हुए चले गए। उनके पीछे गया हुआ गलाती 6:17 पढ़िएगा, एक एक सेवक कैसा है, गलाती 6:17। आगे को कोई मुझे दुख ना दे, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ, यीशु के दागों को मेरे देह में लिए फिरता हूँ। पौलुस के बारे में हम देखते वक्त यीशु को एक बार खोड़े लगा है, पौलुस को 5 बार खोड़े लगा है, बेते खाए, पौलुस का शरीर में पूरा निशानी निशान है। अब पौलुस को पूछे, पौलुस आपके उस शरीर में इतना निशान क्यों? पौलुस बोले मुझे मत पूछो मेरे बड़ा भाई, यीशु उधर खड़ा है उनको देख लो, उनके हाथ में भी वो कील का निशान। मेरे प्यारो यीशु मसीह के कलीसिया का ज्यादातर लोग शाहीद हुए हुए लोग है, ज्यादा ताल उनमें से कोई दुनिया का मजा उठाया हुआ लोग नहीं, उन लोग साफ प्रेम से बांधे हुए कष्ट उठाए हुआ लोग हैं, मार खाया हुआ लोग हैं, कितने लोगों को जिंदा जलाया गया, कितने लोग पति पत्नी पति को जलाया गया, पत्नी को जलाया गया, बच्चों को लेकर कपड़ा धोते जैसा चट्टान पर मारते मार के गिराया, फिर भी उस प्यार के पीछे उन लोग भागता रहेगा, शूनेमी अपना घर से निकल आकर भाग रही है, गली में घूम रही है, मेरा प्रेमी तू कहां है? हमारा प्रेमी कैमे के बाहर खड़ा हुआ है। अगर आगापे प्रेम आपके अंदर भरा रहेगा तो आप दौड़ते रहेंगे। हालेलुया। आत्माओं को ढूंढते किधर 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 जाएंगे। हालेलुया। पहाड़ में जंगलों में जगह 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 में आत्माओं को ढूंढते जाएंगे। हालेलुया। पॉलीकार्प के बारे में हम पढ़ते हैं, उनको जलाते हो, ये प्रभु की सेवक था, बुढ़ा हो गया, 88 साल हो गए, उन लोग बोले यीशु को इनकार को, उन्होंने बोला नहीं, और उनको जलाने के पहले उन लोग एक जगह में खड़ा किया, उधर एक लोहे का खंबा था उसके साथ उनको बांध लिया, उन्होंने बोला मुझे जोर से बांध लो,
ताकि जब आप लोग जलाते, जब मेरा शरीर जलेगा, उस दर्द से साथ मैं भागना नहीं। चारों तरफ आग लगाकर मोमबत्ती की तरह उनको जलाया। कितने हजारों लोगों को मोमबत्ती की तरह जलाया गया। मसीह लोगों को, कितने लोगों को उन्हीं दिनों में पार्टी करने वाला भाइयों बहनों को पकड़ेंगे और उनके चारों तरफ मोम लगाकर जैसा मोमबत्ती जलाते उनको जलाते थे। कितने लोगों को आजकल क्रिकेट का खेल होता है, उन्हीं दिनों में जंगली जानवरों का खेल होता है। कैसा होता है, स्टेडियम में सब बैठेगा, फूका रहने वाला शेर को खोलकर छोड़ेगा, वो शेर के सामने विश्वासियों को डालेगा, वो विश्वासियों को उधर खड़ा करेगा, बेटे पति पत्नी हजारों को लो, शेर इतना जोर से आकर उसको पकड़कर खाते, उनको खून सारे बहते समय लोग ताली बजाएगा। ऐसा कितने लोग, मैं कहानी नहीं बोलो असली बोल रहा हूं, ऐसा कितने लोग इस प्रेम में भरा हुआ चला है। हालेलुया, आपके अंदर ये प्रेम आना है तो पति का प्रेम, बच्चों का प्रेम, दोस्तों का प्रेम सब आपको फेंकना पड़ेगा। परमेश्वर मेरे प्यारो, मैं कितने बार प्रभु से बोला, प्रभु मेरा खून हिंदुस्तान के देश में गिरेगा तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा। दो तीन बार थोड़ा थोड़ा खून गिरा, लेकिन दो तीन बूंदी गिरा है, पूरा खून नहीं गिरा। तंदुरुस्त लड़की थी, देखने के लिए सुंदर थी, उनको नंगा रखता था, सारे पुलिस आकर गंदा काम करता था, उनको कभी कपड़ा पहनने नहीं देता था। ऐसा 42 दिन रहा, 82 दिन, 82 डेज। तो 82 दिन में उन लोग एक आदमी को, एक कैदी को मारा, वो मर गया, उसको खींच के उनके सामने डाल दिया, इनके लिए प्रार्थना करो। उन्होंने मुझे एक चादर या कुछ दे, तो उन्होंने कुछ दिया, उन्होंने अपना नंगापन छुपाकर उनके लिए प्रार्थना किया, वो जिंदा हो गया। तो 83 डेज में उनको छोड़ दिया। फिर उन्होंने 2.5 साल चीन में जगह जगह गवाह किया, 22 छोटे छोटे हाउस चर्च कलीसिया साबित किया, 22। फिर भी 2.5 साल के बाद उनको फिर पकड़ा, उनको खेत में ले गए, उनका दोनों छाती काटकर कुत्ते को डाल दिया, एक छाती काटकर डाल दिया, तो बोला यीशु को छोड़ दो, उन्होंने बोला नहीं, दूसरा छाती भी काट दिया। फिर उसको घुमाकर उनका पीठ का जो सीट का उधर का मांस काटकर कुत्ते को दिया, नीचे गिर गई, उधर ही मरा। बाद में हमारा विश्वासी लोग, उनका फोटो मुझे भेजा, हमारा पुराना फाइलों में देखेगा तो मिलेगा, उन लोग एक चादर डालकर उनका फोटो मुझे भेजा, मैं प्रभु का धन्यवाद देता उस बेटी के लिए जो उधर पहुंच गया। दूसरा, मेरे हाथों से बपतिस्मा दिया हुआ एक पादरी का बात मैं बताता हूं। उधमपुर में मैंने बपतिस्मा दिया, SCNI का पादरी था, 73 साल उम्र था, उनको मैं उधमपुर प्रार्थना भवन के सामने का वो बपतिस्मा जगह में जिधर चरियान रहता है, उन्होंने बपतिस्मा लेते, उन्होंने बोला ये पादरी का चोगे के साथ मुझे बपतिस्मा दो। मैंने उसके साथ उनको बपतिस्मा दिया, उसके बाद उन्होंने पैजामा कुर्ता और पहना, वो चोगा उतार दिया और मेरे सामने घुटना में बैठ गए, घुटना में खड़ा हो गया, बोला मेरे सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना करो। जिधर जिधर मैं, मैंने जाकर लोगों को छिड़की बपतिस्मा दिया, उनको बोलने के लिए मैं जा रहा हूं, वो बपतिस्मा सही नहीं, डूबकर बपतिस्मा लेना है। उन्होंने जगह करते करते 6 महीने के अंदर कपूरतला में गए, उन्होंने कपूरतला में पादरी बनकर रहता था, पंजाब का कपूरतला में, उधर भी उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, उधर का मसीह लोग खिलाफ हो गए, नौजवान लोग कुछ लोग मिलकर आपको मालूम उनको मारा, फिर उसको एक ट्रैक्टर के पीछे बांध लिया, रस्सी में घसीट कर ले गया, बुड्ढा को घसीट कर ले गए,
कपूरथला के बाहर, गांव के बाहर उनको ले जाके जब कूड़ा डालते तो उन्होंने बोला ऐसा लगा, उन्होंने बोला पानी पानी ऐसा बोला, तो दो नौजवान उनके मुंह में पिसाब दिया। ओ प्रभु का दास पिसाब पीते पीते ये दुनिया छोड़कर चले गए। 5 दिन के बाद मुझे खबर मिला, मैं उधर गया तो सारे बात मुझे मालूम हो गया। लेकिन मसी लोग ऐसा करने का, सारे लोग बोला एक और कहीं नहीं बताना। हालेलुया, यीशु के नाम में कमाने वालों, यीशु के नाम में सुख चाहने वालों, यीशु के नाम में पैसा चाहने वालों, यीशु के नाम में चंगाई चाहने वालों, ये यीशु का मार्ग नहीं है। यीशु का मार्ग कीमत देने वाला मार्ग। आप में से कौन बोलेगा प्रभु मेरे अंदर आगापे प्रेम भर दो, मैं मेरा बेटे का प्यार छोड़ देता हूं, मेरा पत्नी का प्यार छोड़ देता हूं, मेरा पति का प्यार छोड़ देता हूं। कौन प्रार्थना करेगा? प्रार्थना शुरू करो। मैं आपको सच्चाई बताए, असली बात बताए, यरूशलेम में जो कोई होगा सबको प्रेम का कहानी ही बताना होगा। शरीर की आशीष का कहानी बताने वाला एक भी नहीं होगा। कष्ट उठाया हुआ लोग, दुख उठाया हुआ लोग, जिसको आरे से चीरे गए थे, जिसको पतरवा किए गए थे, उनके कष्टों के सामने आपका कष्ट क्या है? कुछ भी नहीं। आप कुछ भी नहीं सहा। मेरे प्यारे भाई बहन बहनों, आप कुछ भी नहीं सहा। समय खत्म हो रहा है, यीशु शीघ्र आने वाला है। इस वक्त भी कितने लोग जीप में जेल में हैं, अरब देश में कितने लोग जेल में हैं, पाकिस्तान में कितने लोग जेल में हैं, वो लोग सब इंतजार कर रहे हैं यीशु का मार। कितने लोगों का हाथ काट दिया गया, कितने लोगों का पाप खा दिया, कितने लोगों का जीव काट दिया। यीशु का प्रचार करता है करके बोलते हुए मुसलमान लोगों ने प्लायर से उनका जीव खींच कर कितने लोगों का जीव काट दिया। उन लोग छुटकारा नहीं चाहा, उन लोग छुटकारा नहीं चाहा। मैं कहानी नहीं बोल रहा हूं आपको, क्या आपको यह प्यार चाहिए? क्या गंदा प्यार, बच्चों का प्यार, पति का प्यार, अपना प्यार? कौन बोलेगा प्रभु मेरे पति का प्यार मैं निकाल देता हूँ, बेटे का प्यार मैं निकाल देता हूँ, बेटियों का प्यार मैं निकाल देता हूँ, मेरे शरीर का प्यार मैं निकाल देता हूँ, मुझे शुद्ध करो, अगापे प्यार से मुझे भर दो, सलीब के प्यार से मुझे भर दो, मेरा प्रेमी यीशु, तेरे अलावा मुझे कोई प्रेमी नहीं, मेरे लिए मार का प्रेमी यीशु,
प्रेमिया और नहीं, मेरे ये भारी सलीब उठाकर उड़ते चलते गया हुआ प्रेमी, तेरा प्रेम असली प्रेम है। मेरा प्रेमी आपके पीछे मुझे खींचो, प्रेम की रस्सी से मुझे खींचो, दुनिया का नकली प्रेम नहीं चाहिए मुझे, पति का नकली प्रेम मुझे नहीं चाहिए, मेरे बेटे का मुस्कुरावट मुझे अभी नहीं देखना, मेरे बेटी का बोलने का ढंग मुझे नहीं देखना, मुझे सलीब को देखना, भारत के लिए कीमत देना मैं चाहता हूं। जैसा मैं यमी के बारे में बताए, पति कुवैत में काम करते वक्त यमी अपने काम कर रहा, कैसा मकान पूरा करना है, इसलिए खुशी से कर रही है। पौलुस बोलता है मसीह के लिए उनका शरीर के लिए जो कष्ट मैं सहता हूं उसमें मैं खुश होता हूं। मैं मिसाल के तौर पर एमी के बारे में बताया, फिर उधर से चिट्ठी नहीं लिखा है अभी तू ऐसा कष्ट उठाओ, नहीं नहीं नहीं, अभी कुंती मेरा पति आने के पहले का पूरा होना है, हमारा पति यीशु आने वाला है, हिंदुस्तान में काम बहुत बाकी है, जम्मू कश्मीर में काम बहुत बाकी है, नेपाल में काम बहुत बाकी है, अपना मतलब का बात छोड़कर यीशु का प्रेम में बांधे हुए कौन जाएंगे। हालेलुया हालेलुया Hallelujah 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 भोजन आप खाओ, ये आदमी भोजन आप खाओ, सिर्फ दिमाग में नहीं, इसके ऊपर मनन करो, ये खाओ अभी। हालेलुया यावा यबाना। प्रभु का वचन सीखने के लिए जाएंगे, अभी हम आगे सीखने जा रहे, इतना महान परमेश्वर, परमेश्वर का इतना बड़ा योजना उनके पास है। मैंने बताया परमेश्वर इतना महान है, इतना महान परमेश्वर, इतना बड़ा परमेश्वर, और उनका योजना हमारे साथ रहने का है, युगान युग तक हमारे साथ रहने का उनका योजना है। तो उस योजना के लिए हमको तैयार करने के लिए प्रभु ने कितना कुछ किया है, प्रभु ने कितना किया है वो बात मालूम होने के बाद फिर हम अपने आप को हम कितना और करना है मालूम होगा। देखिए आपने देखा है परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर कितना महान है, इतना महान परमेश्वर को वो कितना, उन्होंने हमारे लिए युगान युग रहने का योजना बनाया है, थोड़ी देर के लिए युगान युग रहने का योजना बनाया है। तो उस योजना के लिए हमारा तैयारी के लिए उन्होंने क्या किया है वो हम समझना पड़ेगा। एफेसी 2:12 से पढ़िएगा, आपको मालूम है जो बात मालूम है उसमें ज्यादा समय मैं खर्च नहीं करूंगा, जो आपको समझने के लिए मुश्किल है उसमें ज्यादा समय खर्च करूंगा। एफेसी 2:12 से पढ़िएगा, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इसराइल के प्रजा के पद से अलग किए हुए
और प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, पर अब तो मसीह हाँ, देखिए पहले हम कौन थे, और एक बार उधर तक पढ़िएगा दोबारा। तुम लोग उस समय मसीह से अलग, मसीह से अलग थे और इसराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए हाँ। और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे हाँ। और आशाहीन, आशाहीन हमको कोई आशा नहीं थी और जगत में ईश्वर रहित थे, हमको परमेश्वर भी नहीं था। जिसको हम परमेश्वर करके पूछते थे वो परमेश्वर नहीं था, वो शैतान की थोके था। पहले हमको आशा नहीं था, अभी हमको आशा मिला, नया पृथ्वी नया आसमान, उसमें नए यरूशलेम में परमेश्वर के साथ युगान युग तक रहेंगे करके एक आशा हमको मिला है। पहले आशा नहीं था और पहले हमको परमेश्वर नहीं था, हम हर चीज को पूछते हुए चलते थे, अभी परमेश्वर मिल गया। आशा नहीं था, आशा मिल गया, परमेश्वर नहीं था, हमको परमेश्वर मिल गया। और नीचे, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हाँ, अभी निकट हो गया हाँ, क्योंकि वही हमारा मेल है हाँ, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। नया मनुष्य हमारे अंदर उत्पन्न करके मेल कराया हाँ। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए, एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। एक आत्मा में पिता के साथ पहुंच हो गया, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हाँ, मेरे प्यारों, परमेश्वर हमारे लिए क्या किया है वो बात आप समझना है। पहले हम परमेश्वर से दूर थे, आशा हमको नहीं था, अभी परमेश्वर भी मिल गया, आशा भी मिल गया और परमेश्वर के घराने का होने का सौभाग्य मिला। हम कैसा परमेश्वर के घराने बन गए? हम इधर उधर काम करते थे, रोते थे, प्रभु ने आकर बोल दिया आओ तुम मेरे घर में आओ, ऐसा आया है, है? देखिए हम जब देखते हैं गरीब बच्चों को देखते हैं, कल आपने वो वीडियो में देखा है, वो बहन माँ बनकर कितने हजारों का माँ बन गए, कैसा उन्होंने लोगों को परमेश्वर का प्यार से बच्चों को अपने घर में उनको संभाल रहे, कल आप लोग देखे होंगे। तो क्या परमेश्वर ने हमको दया से अपना घर में इसी तरह ले लिया है? नहीं, असली में परमेश्वर हमको अपना घर में पैदा होने का सौभाग्य दिया है। हम परमेश्वर के घर में क्या हुआ है? पैदा हुआ है। हम परमेश्वर के घर में वैसा नहीं आया, बल्कि परमेश्वर के घर में हम क्या हुआ है? पैदा हुआ है। जन्म के द्वारा हमको नया, उधर में लिखा है नया मनुष्य उत्पन्न करके हमको क्या कर दिया? मेल करा है। नया मनुष्य उत्पन्न करके हमारे अंदर एक नया मनुष्य को प्रभु ने उत्पन्न करके परमेश्वर के घर, तो परमेश्वर हमको वैसा बुलाकर नहीं लाया, बल्कि परमेश्वर के घर में जन्म लेने के लिए मौका मिला। अभी मेरा बेटी सुसन इधर बैठी है, उनको मैं आपको बोलता, बेटी दुखी नहीं होना, बेटी जब स्कूल में पढ़ती है, जब स्कूल में पढ़ रहा था उनका दोस्त बोला, दोस्त लोग बोलने लगा देखो तुम्हारा पापा तुमको इतना प्यार नहीं करता है, इतना कुछ नहीं करता क्योंकि तुम उनका बेटी नहीं है, तुमको किसी के घर से गोद लिया है।
मेरा बेटी आकर वो पढ़ रही थी स्कूल में, आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ते समय में, देखो पापा बाकी ऑफिसर लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को हर जगह में घुमाने ले जाता है, ऑफिसर मेस में जाता है, ऑफिसर क्लब में जाता है। मैंने कभी भी मेरे बच्चों को ऑफिसर क्लब में नहीं लेके, ऑफिसर क्लब में मेरे बच्चे हमको बच्चों को लाने, ऑफिसर क्लब के लिए हमारा पैसा देता है, ऑफिसर क्लब में मेरा पत्नी को भी एक बार भी ऑफिसर क्लब में लेके नहीं, हमारा मेस में ले गए उधर में उधमपुर में चोपड़ा शो के आगे वो जगह का नाम क्या, उधर में ऑफिसर क्लब था जो चिनार में ऑफिसर क्लब है, ऑफिसर क्लब में स्विमिंग पूल है, ऑफिसरों का सारा बच्चा उधर आकर खेलते कूदते स्विमिंग करते हैं, डांस करते हैं, उधर डांसिंग सिखाता है, सब कुछ करता है बाकी ऑफिसरों का बच्चा सबको। तो मेरा बेटे बेटी को एक बार भी उधर नहीं लगे, मेरे पत्नी को कोई बहुत बड़ा जनरल आता हो तो उधर में एक पार्टी रखता, उधर में सिर्फ एक पार्टी के लिए सिर्फ ले गए, बाकी डांस बाकी वगैरह का कभी लेकर नहीं गए। तो इनके दोस्त लोग पूछे, देखो तुम्हारा पापा तुमको ये नहीं कहता, तुम्हारा पापा तुमको ऐसा, तुम उनके घर में जन्म नहीं लिया, तुमको गोद लिया, आपको मालूम है। फिर बेटी सुसन उधमपुर में मिलिट्री हॉस्पिटल में उसका जन्म हुआ। तो मैं मिलिट्री हॉस्पिटल का जो ऑफिसर के लिए लिखा हुआ सर्टिफिकेट उधर से मिलता है, कैप्टन एएम सैमुअल का पत्नी अम्मनी का बेटी इतना बजे जन्म लिया करके वो कागज दिखाना पड़ा उनको। इधर बैठी है तो शायद उनको याद होगा, देखो बेटी तुम वैसा घर में नहीं आया, बल्कि मैं तू मेरे घर में क्या हुआ है, जन्म लिया। तो मैं क्यों ये बात बताया है, हम अरेक प्रभु के घर में वैसा नहीं आया बल्कि क्या हुआ है, जन्म लिया। पहला पत्रों से 1:23 पढ़ो, पहला पत्रों से 1:23, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। वचन के द्वारा क्या पाया है, परमेश्वर के वचन के जैसा मैं और मेरा पत्नी के द्वारा मेरा बेटी जन्म लिया, इसी मुताबिक परमेश्वर का वचन के द्वारा क्या हुआ है, हम जन्म लिया है, जन्म से हम परमेश्वर के घर में आया है। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, यूहन्ना 3:3 पढ़ो, 3-6 पढ़ो, यूहन्ना सुसमाचार 3:3-6 पढ़ो। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है, क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। देखिए मेरे प्यारो, हम परमेश्वर के घर में वैसा नहीं आया बल्कि क्या हुआ है, कैसा हुआ, जन्म लिया। हालेलुया। कोई आपको बोले, आप धर्म परिवर्तन किया, आपने बोलना भाई मेरा मजहब नहीं बदला, मेरा धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, घर परिवर्तन हुआ, घर बदल गया। पहले किसके घर में था, शैतान के घर में, अभी किसके घर में आ गया, परमेश्वर के घर में आया है। पहले किसके घर में था, शैतान के घर में, अभी किसके घर में आया। वो कैसा जन्म हुआ, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जाकर हमारे अंदर एक नया मनुष्य उत्पन्न हो, वो हमेशा तक जीवित रहने वाला है। तो प्रभु ने हमको वैसा इधर उधर से बुलाकर लेकर आया नहीं। अभी मेरा बेटी को मैं बोलो निकल जाओ मेरे घर से, अभी तो शादी हो गया तो बोले अपना छोटा सा जगह दिल्ली में बना, तो फिर भी मैं उनको बोले निकल जाओ आप मेरा घर से, तो वो क्या बोलेगी,
मैं किधर जाऊं, मेरा खार यही है। जब हम घर में जन्म लिया है, हर बात का हकदार भी है हम,